अहन और दियोर के प्यार में पागल थे बी टाउन के दो हैंडसम हीरो, धर्मेंद्र के दामाद बनने की थी विश। अहन और दियोर, ईशा देओल इन दिनों अपने पति से अलग होने की वजह से सुर्खियों में है। इस बीच उनकी छोटी बहन अहाना की भी खूब चर्चा हो रही है। अहन और दियोर इन दिनों बी टाउन में देओल परिवार की खूब चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल और उनके पति ने जब से अलग होने का ऐलान किया है तब हर तरफ इनकी ही बातें हो रही है। इन सब में अहाना देओल भी अपनी बहन को खूब सपोर्ट करती नजर आ रही है और वो भी खूब चर्चा में हैं। हालांकि अहाना फिल्मों ने दूर अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब बी टाउन के दो हैंडसम हंक हीरो जहाना के प्यार में पागल थे। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो एक्टर जो धर्मेंद्र के दामाद बनते बनते रह गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी भले ही फिल्मों से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के दो हीरो जैसे हैं जो अहाना पर लट्टू हुआ करते थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह और आदित्य रॉय कपूर की। जी हाँ, यही वो एक्टर्स हैं जो कभी अहाना के प्यार में पागल थे। रिपोर्ट्स की माने तो अहाना और रणवीर सिंह ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन फिर जब इस लव स्टोरी में आदित्य रॉय कपूर की एंट्री हुई तो सब कुछ बदल गया। फिर क्या था, अहाना ने आदित्य के लिए रणवीर कपूर को ड्रॉप कर दिया था। रणवीर ने अपनी इस लव स्टोरी के बारे में एक बार बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि वो और आदित्य एक ही क्लास में पढ़ते थे और कॉलेज में दोनों का दबदबा भी हुआ करता था। रणवीर ने कहा था कि जिस लड़की को 5 साल से डेट कर रहे थे उसने उन्हें अचानक से ही छोड़ दिया था। अपने रिलेशनशिप को लेकर रणवीर बहुत सीरियस थे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया। जी हाँ, आज के सुपरस्टार रणवीर सिंह को अहाना देओल ने आदित्य रॉय कपूर की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में अहाना और आदित्य की नजदीकियां बढ़ गई थी। इस दौरान रणवीर अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और अहाना और आदित्य करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहते और फिर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। साल 2012 में आई फिल्म आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर संग आदित्य ने काम किया और इस फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद साल 2014 में अहाना ने दिल्ली के बिजनेसमैन संग शादी कर ली।